बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक पे घर बैठे ऑनलाइन जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट कैसे ओपन करना है, आज के वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक पे सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा मेहरबानी करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। तो इस वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हो सैलरी बैंड, ये अकाउंट पे 50,000 से 1,00,000 तक आप लोग रख सकते हो, यानी कि क्रेडिट हो सकता है, ठीक है, हर मंथ आप लोग देख ही सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को देखने के लिए नीचे जाना होगा। ओके, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होगा। जाने के बाद में आप लोग देख ही सकते हो 18 ईयर्स होना पड़ेगा, यानी कि 18 प्लस होना पड़ेगा, तब जाके आप लोग ये सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हो, यानी कि एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। फिर नीचे जाना होगा, स्क्रॉल डाउन करके जाने के बाद में आप लोग देख ही सकते हो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है, ये एक जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट है। आप लोग को सिर्फ अपना जो सैलरी होगा हर मंथ का, इस पर क्रेडिट होना है ये अकाउंट पर, ठीक है। तो आप लोगों को एक भी रुपया रखने की ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ सैलरी क्रेडिट होना है हर मंथ में, ठीक है, तब जाके अकाउंट जीरो बैलेंस ही रहेगा। ओके, आप लोग देख सकते हो हिडन चार्ज भी नहीं है, मेंटेन चार्ज भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा अकाउंट है, आप लोग ओपन कर सकते हो। और चेकबुक जो मिलेगा 75 पता का चेकबुक आप लोगों को मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये फ्री मिलेगा, आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, NFT, RSTI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग बिल्कुल फ्री है, ठीक है, आप लोगों को ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा। और एक डेबिट कार्ड मिलेगा आप लोग को, देख सकते हो मास्टर प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, इसका भी कोई चार्ज नहीं बताया। दोस्तों, डेली ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हो 50,000 तक, 1,00,000 का ऑनलाइन से शॉपिंग कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा ये अकाउंट ओपन कर लीजिए। ओके, ये अकाउंट ओपन करने के लिए आपका पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना पड़ेगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका पास है आप लोग ये सैलरी अकाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। आपका पास पहले सैलरी होना पड़ेगा, तब जाके आप लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी आप लोगों को मिलेगा, कौन सा क्रेडिट कार्ड मिलेगा ये बैंक की तरफ से नहीं बताया गया, आप लोग देख सकते हो लाइफ टाइम फ्री बड़ौदा सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, तो बैंक सेलेक्ट करेगा आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड देगा। ओके, तो मेरा काम था बताना, आप लोगों को मैं बता दिया। ओके, अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोगों को नीचे जाना होगा, स्क्रॉल डाउन करके आप लोग देख सकते हो ओपन नाउ, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में नया इंटरफेस मोबाइल पे डिस्प्ले हो जाएगा, ओके, या तो लैपटॉप पे, तो फिर ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा यस या नो, तो आप लोगों को नो पे क्लिक करना होगा। नो पे क्लिक करने के साथ साथ ही आप लोग देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन फॉर बड़ौदा सुपर सैलरी अकाउंट, पहले अपना फुल नेम देना है, देने के बाद में ईमेल आईडी देना होगा, ईमेल आईडी देने के बाद में अपना मोबाइल नंबर देना होगा। ओके, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना होगा, जाने के बाद में अपना स्टेट पहले सिलेक्ट करना होगा, कौन सा स्टेट से हो आप वो सिलेक्ट करना है, फिर अपना सिटी सिलेक्ट करना होगा। ओके, सिटी सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आप लोग देख सकते हो ब्रांच, सिलेक्ट ब्रांच, ब्रांच को भी आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ब्रांच पे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो। ओके, फिर एक अफसर कोड को इसमें फिल करना होगा, फिल करने के बाद में यानी कि देने के बाद में लोग को बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स पे टिक करना है, टिक करने के बाद में नीचे जाना है, जाने के बाद में आप लोगों को दिख जाएगा सबमिट, इस सबमिट पर आप लोगों को करना होगा क्लिक। ओके दोस्तों, रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद में बैंक का तरफ से आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है, कौन सा कंपनी पे आप जॉब करते हो वो बताना होगा, ठीक है, और फोटोकॉपी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, या तो बैंक जाना पड़ेगा या तो आपका घर पे विजिट करेगा बैंक का एजेंट, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका पास होगा वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफिकेशन करेगा, वेरीफिकेशन करने के बाद में ये अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक पे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं सब कुछ बता दिया और दिखा भी दिया अच्छा से, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा और कैसे अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दिया।
तो आपको वेटिंग करना होगा। वेटिंग करने के बाद ही आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो, या तो ब्रांच विजिट करके या तो एजेंट आपका घर पे आएगा। ओके, आई होप दोस्तों ये वीडियो से आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।